स्कूल में नजर आ रही है अपने जोन को प्रायोरिटाइज करेगी। बट मीनवाइल टीम ग्लोबल ईस्पोर्ट्स वर्सेस टीम एक्स पार्क, ये फाइट हमें यहाँ पर इनिशिएट होते नजर आ रही है। 420 ओपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी थे, एल्ट्रॉन को भी डाउन कीजिएगा, स्काउट यहाँ पर आएंगे तो जरूर, बट आई डोंट थिंक कि वो एक बढ़िया डिसीजन हो सकता है बिकॉज ऑलरेडी ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के सारे खिलाड़ी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, स्काउट के कंधों पर सारी जिम्मेदारी। और बबी की अगर हम बात करें वो थोड़ा पीछे हमें नजर आ रहे हैं, स्काउट फिलहाल अभी के लिए एक खिलाड़ी को डाउन जरूर से करेंगे, जोकर को यहाँ पे डाउन किया पीछे से, मबी जो कवर फायर देते हुए नजर आ सकते हैं। और अभी के लिए रिवाइवल का सिलसिला यहाँ पर स्टार्ट होगा, स्काउट रिवाइव दे रहे हैं, सामने से और खिलाड़ी आएंगे, बढ़िया जिगल, जोकर अभी भी सर्वाइव करते हुए, बट स्काउट की अगर हम बात करें वापस से पीछे आएंगे, मान्या हील करेंगे अपने आप को, एंड सेम गोज विद स्काउट एज वेल। बस पीछे से बिल्कुल गॉडलाइक की टीम भी आते नजर आ रही है, तो थोड़ा सा संभालना यहाँ पर पड़ेगा, बट मान्या यहाँ पर रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, स्काउट अपने आप को हील कर चुके हैं, क्या स्काउट रश कर सकते हैं सवाल बनता है, बट जी नहीं रश नहीं करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, बट मवी बहुत दूरी पे हैं, क्या वो वहां से कवर प्रोवाइड कर सकते हैं। गॉडलाइक भी यहां पे आती है, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के एक लेग को नॉक करा जाएगा, दिस इज हैपनिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनती हुई, बट स्काउट लड़ते हुए नजर आ जाएंगे आपको। एक बार फिर से वही चीज हमें रिपीट होती हुई नजर आ रही है कि दो टीम्स फाइट कर रही है और तीसरी टीम जो है वो यहां पर आती है और उसका फायदा उठाती है। टीम गॉडलाइक यहां पर आ चुके हैं ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के, मान्या एंड जोकर, मात्र दो खिलाड़ी यहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्या ग्रेनेड से स्वागत किया जाएगा? जी हां, ग्रेनेड यहां पर जरूर से थ्रो किए गए, मान्या वहां पर मौजूद, जोकर के बहुत करीब एक ग्रेनेड जा सकता है। स्काउट की बात करें अभी के लिए ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी जरूर से कि वो थोड़ा पीछे की तरफ गए हैं, क्लच गॉड यहां पर आ जाएंगे। बात करें ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के एजे की तो वो भी यहां पर मौजूद, बट वो काफी दूर हमें देखने को मिल रहा है, ब्लीड आउट होंगे, फिनिश ऑफ हो जाएंगे। देखना ये पड़ेगा कि क्या वो जो एक खिलाड़ी काफी ज्यादा दूर है वो यहां पर क्लोज आ सकता है, बहुत मुश्किल उनके लिए जरूर से रहेगा। मीनवाइल टीम कैमरी स्पोर्ट की फाइट इनिशिएट हो चुकी है, चलिए फाइनली वो ग्रेनेड आएगा, मान्या अपने आप को खुद के ही ग्रेनेड से नॉक करेंगे, टीम गॉडलाइक यहां पर रश करते हुए नजर आएगी। जी नहीं, क्लच गॉड यहां पर रिवाइव करने के लिए जा रहे हैं, जॉनसन अभी भी पीछे की तरफ मौजूद है और इस रिवाइवल के साथ वापस से पलरा जो है वो थोड़ा समांतर हो सकता है, बट वी गॉड वो ग्रेनेड को करे, क्या वो कनेक्शन बना सकता है वो देखने वाली बात है। ग्रेनेड जाएगा जरूर से, ग्लोबल ईस्पोर्ट मुश्किलों में, जी हां, मान्या यहां पर डाउन होंगे, जोकर एक बार फिर से उनके कंधों पर सारी जिम्मेदारी। मैं यहां स्काउट को देख रहा हूं, ऑलरेडी भाग के निकल चुके हैं, बट यहां पे थर्ड पार्टी करने के लिए आई तो गॉडलाइक उसको बैकफुट पर डाला जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीम पे एडवांटेज यहां पे लिया, एक प्लेयर को नॉक करा, दूसरे प्लेयर को नॉक करा, तीसरे प्लेयर को डैमेज दिया, सी गॉड अब यहां पे बचे हैं, अपने आप को हील करा, उसके बाद यहां पे रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू करा, बट जोकर क्लच गॉड को खत्म कर देंगे। ये नहीं होना चाहिए था, आपके पास नंबर स्किन का एडवांटेज था, बट वहां पे टीपीपी एडवांटेज जो लिया जोकर ने वो लाजवाब साबित हुआ। अब क्या टीम एक्स पार्क थर्ड पार्टी को फोर्थ पार्टी में तब्दील कर सकती है? बिकॉज उनके लिए तो पार्टी है, बट स्काउट को नॉक कर दिया जाता है और वो भी खत्म होते नजर आएंगे, बट जोकर इट्स इम्पॉसिबल टू डील विद हिम, जिस तरीके से पनिश करा जा रहा है गॉडलाइक को, दिस इज इनक्रेडिबल। ग्लोबल ईस्पोर्ट, जैसे कि मैंने बोला कि नई ग्लोबल ईस्पोर्ट है, यहाँ पर एक खिलाड़ी चार पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, एक बार फिर से वही चीज हमें देखने को मिलती हुई। चलिए रॉनी को तो वहां पर नहीं बचाया जा पाएगा, बट जोकर पूरा का पूरा गॉडलाइक का स्क्वाड यहाँ पर वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर देंगे। जॉनसन की अगर हम बात करें वो जरूर से यहाँ पर सर्वाइव करेंगे क्योंकि वो थोड़ा पीछे की तरफ मौजूद है, उन्होंने उसको स्काउट को नॉक भी किया, बट शायद रिवाइवल वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट अगेन जोकर क्या ही बेहतरीन ये प्लेयर जो वो खेलते हुए नजर आए, चाहे मान्या की बात करें, जोकर की बात करें, एजी की बात करें, कोई ना कोई खिलाड़ी बचता है जो पूरा गेम बदल के चला जाता है, बट रॉनी को यहां पर रिवाइवल मिल जाएगा। मवी उन्होंने